हाय, सो MBBS से हटके दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टुडे विच इज राइट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स स्पेशली इन क्लास 11th. देखिए, अभी भी आप में से काफ़ी बच्चों ने 10th पास किया और 11th में एंट्री कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मौका होता है ये टू टेक द राइट डिसीजन बेसिकली ऑफ सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड. तो इंडिया में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो आप काफ़ी कोर्सेज करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते. फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, हम सभी जानते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंस, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. आई थिंक द डिसीजन वुड बी आई वुड डू मोर टूवर्ड्स ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे इस समय घबरा के मैथमेटिक्स जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है तो छोड़ देते हैं, जबकि मेरा हमेशा मानना है कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी कोर सब्जेक्ट, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके बच्चों को 12th तक पढ़ना चाहिए. मैं तो इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इनक्रेज करता हूँ, क्योंकि शायद आपके बहुत अच्छे मार्क्स ना आए, आप उतना फोकस ना कर पाओ, बट 70 नंबर मार्क्स भी मैथ्स में लाना क्लास 12th में वुड हेल्प यू अलॉट. तो कल ही एक काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट आया था, और हमने देखा स्पेशली दिल्ली के केस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, वेरी लो कॉस्ट बट हाईली रिप्यूटेड. अब उसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स और BMS जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज कराता है, पर चलो वो तो एक ही कॉलेज है, लेकिन यू नो इकोनॉमिक्स ऑनर्स विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स, वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एलिजिबल रहने के लिए आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है. तो अगर आपने 10th में मैथमेटिक्स छोड़ दी तो फिर आप सिर्फ और कहीं नहीं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए भी से बाहर हो गए. तो एक तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ के आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, और जहाँ तक हो सके मैथमेटिक्स मत छोड़िए क्लास 11th 12th में. इसी मुद्दे को मैंने नाम नहीं ले रहा कि पता चला कि मैंने कहा जी अभी तो 11th की मैथ्स में जानता हूँ, थोड़ी मुश्किल होती है, बड़े पे तो बच्चे ने करीब ही नहीं है, तो 10th की मैथ्स तो मैं जानता हूँ, यूँ ऐसे हुआ है नहीं सर. एक्चुअली वही बात है कि 9th 10th में जो हम आधा हिंदुस्तान करते हैं आजकल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, हमने इसको एक वही लीडिंग IIT इंस्टीट्यूट में करा दिया था, जो फाउंडेशन के नाम पे बच्चों को 9th में ले लेते हैं, और उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि इसके मन में मैथ्स के प्रति डर ही बैठ गया. जी हाँ, देखिए, आप पेरेंट्स, मेरी अपील है कि तो ये समझिए, और मैं इस वीडियो में आपको मल्टीपल चीज़ें बताना चाहूँगा, और मैं कोई प्रोफेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो आप में से कोई अगर है और इस वीडियो को सुन रहा है तो ज़रूर कॉमेंट डालिएगा फीडबैक के लिए, या अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो बताइएगा. आई वुड लव टू एडिट और डिलीट दिस वीडियो, बट बहुत बेसिक लाइफ लर्निंग. और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने कभी नोट किया कि भाई क्यों नहीं हम इंटीग्रेशन 6th क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते? तो जिसने भी ये करिकुलम बनाए हैं उन्हें पता है ना कि हाउ डस अ चाइल्ड इज़ डेवलपिंग इन द अर्ली ईयर्स. और हम ये भी मानते हैं कि जो मेंटल मेच्योरिटी है वो तकरीबन 17-18 साल तक पूरी आ जाती है, मतलब दैट्स वाई दी IIT एंट्रेंस इज सो टफ. तो हम एक मान के चलते हैं कि 17-18 साल का बच्चा इज़ नाउ सफिशियंट इनफ टू अंडरस्टैंड एनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, राइट? एंड दैट्स वाई ही इज़ गोइंग थ्रू द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड IIT एंट्रेंस, और फॉर दैट मैटर नीट एंट्रेंस. पर सिर्फ उससे 4 साल छोटा जब बच्चा 8th में होता है तो हम उसको बहुत बेसिक पढ़ा रहे होते हैं. अगर आप उसका सिलेबस देखोगे आज भी जो क्लास 8th का सिलेबस है, तो एक क्लास 8 से क्लास 12 तक इतनी मेजर जंप क्यों आती है? क्योंकि दुनिया इस चीज़ को मानती है कि 13-17 में देर इज़ अ वेरी वेरी फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ अ चाइल्ड, कि वो जो लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है. और इसी आई थिंक बोथ मेंटल एंड फिजिकल, दैट्स वाई फौजी भी आप बेस्ट 20-22-23 साल की उम्र में बनते हो, स्पोर्ट्स पर्सन भी तभी बनते हो, तभी आप मेंटल, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, मेंटल सेल्स डेवलप हो रहे हैं, जो भी आप मान लीजिए. दिक्कत क्या होती है कि ये जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनको अपनी फीस जस्टिफाई करनी होती है, एंड दे हैव टू जस्टिफाई टू यू कि वी आर बेटर देन योर स्कूल, क्योंकि इस समय तक तो सारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, और अभी तक 9th 10th में डमी स्कूल का चलन आया नहीं है हिंदुस्तान में. तो उसको छोड़ के आप इनके पास शाम को या वीकेंड पे जा रहे हो, ये सच्चाई है. तो इन इंस्टीट्यूट्स को ना अपनी फ़ीस जस्टिफाई करनी होती है जो आपसे वो लाख रुपए साल के ले रहे हैं. तो आपको वो पढ़ाया जाता है जो स्कूल सिलेबस के बाहर है, बियॉन्ड है. और कभी कभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वही जो एक टिपिकल चाइल्ड की स्ट्रेंथ है मेंटल, उसके बियॉन्ड है.
सो तब दसवीं क्लास के बच्चों को आपने ज़बरदस्ती कैलकुलस पढ़ा दी, अभी उसको ज़रूरत भी नहीं थी, उसे समझ नहीं आया, और वो जो हायर या जो टेंथ के हिसाब से भी आपने सेम कॉन्सेप्ट्स को मुश्किल तरीके से पढ़ाया, अब वो इतना मुश्किल तरीके से पढ़ाया कि वो जो एक अबव एवरेज बच्चा था उसके लिए तो बहुत भारी हो गया, और वो मैथ्स के प्रति उसकी नफरत हो गई, जबकि वही 11th 12th में अप्लाइड मैथ्स लेके वो बच्चा आराम से नॉर्मल मैथ्स पढ़ के इकोनॉमिक्स ऑनर्स BMS या कल को अब्रॉड जाने हैं तो काफ़ी कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहता, बट वो सारी एलिजिबिलिटी ख़राब हो गई क्यों, क्योंकि आपने उसको 9th 10th में वहाँ भेज दिया जहाँ ज़बरदस्ती उसको बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए। तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास 10th तक तो आपको किसी ये लीडिंग इंस्टीट्यूट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, 10th तक तो बच्चा स्कूल में पढ़े, और स्कूल में अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको कमी महसूस हो रही है, मैं तो फिर भी आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिविजुअल कोचिंग, आपको इंडिविजुअल ट्यूटर ढूंढिए, स्मॉल ग्रुप वाले ट्यूशन सेंटर ढूंढिए जहाँ 3 से 4 बच्चों का बैच हो, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने 10-12 के बैच में भी भेज दिया कोई बात नहीं, लेकिन 50-100 के बैच में भेजेगा तो कोई तुक ही नहीं है वो चीज़ पढ़ाने के लिए जिसका अभी कोई रेलिवेंस है ही नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट श्योर योर चाइल्ड इज़ ब्रिलियंट। अगर आपका चाइल्ड ब्रिलियंट है तो अक्सर पेरेंट कहते हैं नहीं सर, पर 9th 10th में तो ओलंपियाड और NTSC करके हमें प्रोफाइल बनानी है अगर हमें US भेजना है हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में आफ्टर क्लास 12th, वो जो लीग है ना भाई वो अलग है, और वो बच्चा ऐसा होगा जो क्लास 6 से हमेशा ही 100% ला रहा होगा, और आपको पता होता है ऐसे पेरेंट कि आपका बच्चा दुनिया के हर कॉम्पिटिशन में टॉपर है तो वो उस लीडिंग इंस्टीट्यूट्स को भी झेल लेगा, बट इफ़ यू नो योर चाइल्ड इज़ एवरेज अबव एवरेज तो वो उस पर भारी पड़ जाता है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो फिलहाल क्योंकि अभी 9th स्टार्ट होने वाली है काफ़ी बच्चों के लिए भी, मत भेजिए उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, लेट द चाइल्ड स्टडी स्कूल, और स्कूल के बाद अगर आपको लगता है कि उसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो हेल्प दिलाइए, यही 10th तक कीजिए, 10th के बाद प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग सेशन लीजिए मत लीजिए, सोच समझ के फैसला कीजिए कि मेडिकल दिलानी है या नॉन मेडिकल दिलानी है या साइंस नहीं दिलानी है। अब ये जो बच्चे की बात बता रहा हूँ ये तो 2 साल से उस इंस्टीट्यूट में से जा रहा था ना कि फ्यूचर में IIT बनेगा, और अब तो ये साइंस तो छोड़ो कॉमर्स में भी मैथ्स लेने को तैयार नहीं, और इसके पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, तो ये मेरे पास लाए थे मोर एज ए काउंसलर रदर देन ए करियर काउंसलर। खैर बच्चों मैंने ये समझाया कि बेटे तुम बहुत सारे कोर्सेज मिस कर जाओगे अगर मैथ्स नहीं लेते हो, तो वो मैथ्स ले रहा है तो पहली, दूसरी बात यही है कि वो हवा नहीं आना चाहिए, तीसरा आपने सब नहीं करा लेकिन हर टीचर सेम नहीं है राइट, हर इंस्टीट्यूट सेम नहीं है, और इंस्टीट्यूट की तो कोई बात ही नहीं है ना, एजुकेशन जो मैं हमेशा आपको अपने काम के बारे में कहता हूँ जो हम MBBS की काउंसलिंग करते हैं इट्स ए 1-to-1 थिंग, जो काउंसलिंग जो डिसीजन करने का मज़ा शायद पेरेंट्स को मेरे साथ आता है वो मेरे स्टाफ के साथ भी नहीं आएगा, फीस आपने मुझसे बात करने के लिए दी है ना, मुझे दिए कि मैं आपका केस करूं, इसलिए नहीं दिए कि मेरा स्टाफ करे, आई हैव ट्राइड टू ट्रेन देम बट दे आर नॉट एज गुड एज मी। सिमिलरली जब मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं यू नो माई कॉस्ट इज़ हायर, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आपको मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है मेरे स्टाफ से करा लो अपना सेम सेशन, बट उसके बाद आपने अगर मेरा सेशन के बारे में सुनकर आए हो तो मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ कि आपको शायद आधे से आधा भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन क्या करें आपको तो सर ये देख रहे हो कि सर फलानी जगह पर तो मैं फलाना ऑफिस में गया था वहाँ तो 2000 रुपये लगे थे, आप 5 मांगते हो 8 मांगते हो 10 मांगते हो, मैं कहा मैं भी आपका काम 2 साल में कर देता हूँ लेकिन फिर मुझसे बात मत कीजिए, एक मेरा भी स्टाफ है वो आपसे बात करेगा जो खुद ग्रेजुएट है जिसे दुनिया नहीं देखी, और उसके साथ आप डिसीजन करोगे क्या मेरे साथ करना चाहते हो जो इंडिया के टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स में BTech और MBA करके टॉप कॉर्पोरेट्स में जॉब करके छोड़ के फिर अपनी कंपनी चला रहा आउट ऑफ पैशन, या उसके साथ काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो तो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाए और इसलिए काउंसलर बने बैठे हैं, तो ये फ़र्क तो नहीं आपको देखना पड़ेगा ना। तो इंस्टीट्यूट के अंदर किस टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो टीचर के भाव क्या है, वो टीचर का पैशन क्या है, वो टीचर कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा है, उस क्लास में बच्चे कितने बैठे हैं, वो आप टीचर बेचारा चाहकर भी अच्छा टीचर भी है बट आपके बच्चों को टेंशन ही नहीं दे पा रहा क्योंकि 200 बच्चे उसको पढ़ाने हैं क्लास में, आई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा आपके बच्चे के साथ, कैसे पढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, और उसके हिसाब से जैसा मैंने कहा बहुत सोच समझ के, स्पेशली जो 9th 10th 11th में बच्चे इस साल चढ़े हैं, बहुत सोच समझ के अपने सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, बहुत सोच समझ के ये लीडिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बहुत सोच समझ के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, कोई भी ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कीजिए,
यू शुड नेवर ज्वाइन अ ट्यूशन सेंटर, यू शुड ऑलवेज ज्वाइन अ टीचर जो आपको पढ़ाएगा. वो टीचिंग, हेल्थ केयर, एनी सर्विस बिजनेस इज वन टू वन, राइट. मतलब जो मुझे सर्विस डिलीवर कर रहा है, चाहे वो पढ़ाने की सर्विस है, जैसा आप सब जानते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसने मेरा ऑपरेशन करा, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कहाँ कराया. मैं कहा सर कहाँ नहीं कराया, इस पूछो किससे कराया. एक्चुअली दैट्स अ टिपिकल ह्यूमन मेंटेलिटी ना, कहाँ कराया. ठीक है, नाम लेना चाहिए. मैंने बोला सर पश्चिम विहार में फलाना नर्सिंग होम था, लेकिन आई रियली डोंट नो अबाउट द नर्सिंग होम. हमारा तो एक ऑर्थो डॉक्टर हैं जिन्हें हम 15 साल से जानते हैं, क्योंकि 15 साल पहले जब मेरी मम्मी की हड्डी टूटी जब वो जिंदा थी, उनका ऑपरेशन करवाया था. फिर मेरे ब्रदर की भी टूटी, फिर मेरे जिया जी की भी टूटी. क्योंकि 5-6 बार हम उनको अजमा चुके हैं, एवरी टाइम ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन यू नो रेक्टिफाइंग इन द फर्स्ट गो. मैं भी बहुत खुश हूँ. जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक शेड्यूल से मेरी रिकवरी चल रही है, दोबारा मेरे टांके खोल के दोबारा हड्डी नहीं जोड़नी पड़ी है, जो काफ़ी आप सुनोगे मार्केट में. दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट डॉक्टर एंड एन एवरेज डॉक्टर ना. तो और फिर हमने भी और 85 को रिकमेंड किया है उनका नाम, और हमेशा एवरीबडी हैज़ गॉट द बेस्ट रिजल्ट इन द फर्स्ट टाइम. दैट्स वाई द रेपुटेशन बिकम्स. तो मैंने भी अपना ऑपरेशन जहाँ कराया, मैंने उस अस्पताल का नाम डजेंट मैटर टू मी, दैट हॉस्पिटल वॉज ओनली देयर टू गिव अ ओटी. बिकॉज ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये अपना क्लिनिक चलाते हैं बहुत शानदार, उस क्लिनिक में वो देखते हैं, और जब भी उनको किसी को ऑपरेट करना होता है तो ही बेसिकली हायर्स हॉस्पिटल ओटी ऑन रेंट. आप जानते हैं ये सिस्टम चलता है. तो मेरे को लोगों को समझाना पड़ता है कि जो मैं फलाना अस्पताल में गया था क्योंकि हमारे ऑर्थो ने मुझे वहाँ भेजा, इसलिए नहीं गया था कि उस अस्पताल का बहुत नाम है. तो मेरे को तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर से इलाज कराना है. नोट कीजिए, जब आप बीमार होते हैं, सीरियस बीमार होते हैं, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि अस्पताल में जाते हैं. आप तो ये पता नहीं कि जो मुझे न्यूरो की दिक्कत हो गई है, मुझे आई की दिक्कत हो गई है, मैं फलाना डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ. वो फलाना डॉक्टर कैन बी इन ए क्लिनिक, कैन बी इन मैक्स, कैन बी इन फोर्टिस, और कैन बी इन ए हॉस्पिटल, इजंट इट. और आप ये नहीं कर रहे हैं अगर, तो बेवकूफ़ हो आप. क्योंकि ट्रीटमेंट में भी देर इज़ अ इंडिविजुअल हु इज़ गोइंग टू ट्रीट यू. एजुकेशन, देर इज़ अ इंडिविजुअल हु इज़ गोइंग टू टीच यू. फूड, देर इज़ अ शेफ़ हु इज़ गोइंग टू मेक अ डिश फॉर यू, राइट. इसलिए मैकडोनल्ड वगैरह में बटर चिकन या शाही पनीर नहीं मिलता है, क्योंकि दैट डिशेज कैन नेवर बी स्टैंडर्डाइज. तो वो खाना आपको देते हैं जो स्टैंडर्डाइज हो जाता है. तो इंस्टीट्यूट में ना जाके टीचर को ढूंढिए, अच्छे टीचर को ढूंढिए. सेम इंस्टीट्यूट 3 साल पहले बहुत अच्छा हो सकता था, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर था वहाँ पे. वो टीचर छोड़ के जा चुके हैं, नया टीचर कैन बी बेटर देन हिम, और द इंस्टीट्यूट वुड बी नाउ बेटर देन द 3 ईयर्स बैक, बट द टीचर कैन बी नॉट अप टू द पार्ट ऑफ दैट ओल्ड टीचर जिसकी आपने रेपुटेशन देखी थी. समझे बात को? तो ये बड़े ट्रिकी डिसीजन होते हैं, दीज आर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस. और हमेशा जो मेरा GK वर्स का एक बेसिक प्रिंसिपल था कि जब भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है, सो 2, 4, 5, 10 दिन का रिसर्च करके डिसीजन लीजिए. इट विल रियली हेल्प यू. ओके, एज यू नो, इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प काउंसलिंग फ्रॉम अस अदर देन दी MBBS, यू नो द ग्रिल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस, एंड द नंबर इज 9643362320. इफ यू वॉन्ट टू बुक अ करियर काउंसलिंग सेशन, द मिनिमम चार्जेस आर 5000 फॉर 45 मिनट सेशन. इट गोज अप टू 10,000 फॉर इफ द सेशन गोज लॉन्गर. एंड दैट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट विच आई डू स्पेशली कॉल्ड करियर काउंसलिंग सेशन. ओके, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.